मन का रंगीन चश्मा और नरेंद्र। बात तब की है जब नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नहीं हुए थे। बचपन से ही नरेंद्र कुशाग्र थे। पढ़ने के साथ साथ वे खेल कूद में भी आगे थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे। एक दिन विवेकानंद जब अपने आंगन में खेल रहे थे तो बाहर खिलौना बेचने वाला आया। नरेंद्र बाहर दौड़ के गए। उन्होंने देखा कि खिलौने वाले के डलिए में छोटे छोटे रंगीन चश्मे भी थे। नरेंद्र ने मां से जिद करके एक लाल और एक नीला चश्मा खरीद लिया। पूरे दिन नरेंद्र की दुनिया रंगीन रही। वे चहकते रहे, खेलते रहे, भागते रहे। शाम को जब पिताजी आए तो उनको भी नरेंद्र अत्यधिक प्रसन्न दिखे। उन्होंने उनकी माता से उनका प्रसन्नता का कारण पूछा तो पता चला नरेंद्र को रंगीन चश्मा मिला है, तो उनकी दुनिया भी रंगीन हो गई। पिताजी ने कुछ नहीं बोला। संध्या के भोजन के समय नरेंद्र और उनके पिता दोनों खाने पर बैठे। पिता ने नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र आज मैंने सुना है कि तुम रंगीन चश्मा पाके बहुत प्रसन्न हुए। हाँ पिताजी, आज तो मेरी उबाऊ, नीरस और गमगीन दुनिया बहुत ही रोमांचक, बेहतरीन और रंगीन हो गई, नरेंद्र ने खिलके कहा। पिताजी ने नरेंद्र की ओर देखा, थोड़ा आश्चर्य में फिर पूछा, क्यों तुम्हारी दुनिया उबाऊ और गमगीन क्यों थी? अरे पिताजी, बार बार वही एक तरह की दुनिया देखते देखते उबासी आती है। सब दुखी दुखी जैसा लगता है। इस चश्मे ने बदलाव दिया, अलग नजरिया दिया, एक अलग ही मजा दिया, नरेंद्र ने उत्तर दिया। पिताजी कुछ नहीं बोले। वे खाना खा के उठ गए। रात्रि में सोने से पहले उन्होंने फिर नरेंद्र को बुलाया। उन्होंने नरेंद्र को गोंदी में बैठाया और कहा, नरेंद्र ये दुनिया, ये जीवन रोमांचक है, रंगीन है। इसको जानने के लिए हमें इसको किसी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। चश्मे की जरूरत कमजोरों को होती है, जो वास्तविकता को स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं रखते। सत्य सतह पे कठोर होता है, परंतु उसके गर्भ में जो अनुभव मिलते हैं वह सिर्फ विचारों को नहीं पूर्ण जीवन को सुगंधित बना देते हैं और जीवन के बाद भी आत्मा को सुगंधित करते हैं। इस संसार को माया ने बनाया है। उसने सत्य को कई आकर्षक मुखौटों, रंगीन चश्मों में छुपा दिया है। जो उन मुखौटों और चश्मे के आकर्षण में गुम नहीं होता वो समझदार है। जो उन मुखौटों और चश्मे के पीछे सत्य को देखने के लिए हर निराशा, हर गम से लड़ने को तैयार है, वह वीर है। जो कई बार निराशा और असफलता के बाद भी सत्य के गर्भ को जानना चाहता है वह साधक है। जो सत्य के गर्भ की अनुभूति कर लेता है वह परम ज्ञानी होता है। इस दुनिया में पहले से ही कई माया है और भौतिक वस्तुओं के प्रयोग में फंसकर हम सत्य से और दूर होते जाते हैं। नरेंद्र छोटे तो जरूर थे, परंतु उनकी समझ किसी ऋषि से कम नहीं थी। वह समझ गए थे पिताजी क्या कहना चाहते हैं। नरेंद्र अपने कमरे में चले गए और उन दोनों रंगीन चश्मों को अपने बक्से के कपड़े के नीचे गहराई में रख दिया। उसके बाद नरेंद्र ने स्वयं को भी माया की गहराई से निकालना शुरू कर दिया और एक दिन नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हो गए।